मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पद्मा विद्यालय के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मरने वाला युवक विदिशा का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआती जांच के दौरान मालूम चला कि युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई। बुधवार की सुबह ग्वालियर के कंपू थाना पुलिस को सूचना मिली कि पद्मा विद्यालय के सामने मौजूद हनुमान मंदिर के पास एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मरने वाले युवक का शव पत्थरों से कुचला हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने जब लोगों से पूछताछ की तो मरने वाले की पहचान विदिशा निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस जांच में मालूम चला कि युवक मानसिक रूप से परेशान था। 5 साल पहले अपना इलाज कराने के लिए ग्वालियर आया था और अपने परिवार से बिछड़ गया था।